हेलो एवरीवन, मैं हूँ मो और मेरे चैनल मोस होम किचन में आपका फिर से स्वागत है। और मैं आज आपके साथ एक कड़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि मैंने कुछ अलग तरीके से बनाया है। अगर आप एक ही जैसे एक कड़ी खा के बोर हो गए हो तो आप इसे डेफिनेटली एक बार ट्राई करें। ये बहुत ही अच्छे बनते हैं और इसे बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों का ज़रूरत भी नहीं पड़ते। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पॉपी सीड पेस्ट बना लूँगी। इसके लिए मैं 2 टेबलस्पून पॉपी सीड लिए हैं और 2 टेबलस्पून गर्म पानी में इसे मैं 15 मिनट्स के लिए भिगो के रखूँगी। और उसके बाद मैं एक स्मूथ सा पेस्ट बना लूँगी मिक्सर ग्राइंडर में। अगर आप मिक्सर ग्राइंडर में पॉपी सीड को पेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर इसे 15 से 20 मिनट तक गर्म पानी में भिगो के रखें और उसके बाद पेस्ट बना लें। और मैं यहाँ पे 3 बॉयल किया हुआ अंडा लिया हूँ और इसे मैं थोड़ा सा नमक देके मैरिनेट कर लूँगी। अब मैं एक पैन चढ़ा दिया है और उसमें मैं 3 टेबलस्पून ऑयल डालूँगी। आप यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है। ऑयल गर्म हो जाने के बाद मैं यहाँ पे अंडे को फ्राई कर लूँगी। अंडे को हमें हल्का ब्राउन कलर होने तक फ्राई कर लेना है। इस कड़ी में मैं पॉपी सीड्स यानी खसखस यूज़ किया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कोई हल्दी पाउडर यूज़ नहीं करूँगी, ये वाइट सा ही बनेंगे। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा ब्राउन कलर हो गया है। अब मैं इसे एक बर्तन में ले लूँगी। अब उसी ऑयल में मैं डालूँगी 2 सूखे लाल मिर्च, 1 तेज पत्ता, 1/2 टीस्पून साबुत जीरा, 1/2 टीस्पून और इसको थोड़ा सा सौते कर लेंगे। और फिर हम डालेंगे इसमें चॉप किया हुआ प्याज। मैंने यहाँ पे एक बड़ा साइज का प्याज यूज किया है। प्याज को हम थोड़ा सा भून लेंगे जब तक ये थोड़ा सा ब्राउन कलर ना हो जाए। प्याज भून लेने के बाद हम इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ टमाटर। मैंने यहाँ पे एक ही टमाटर यूज किया है, छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है मैंने। उसे भी मिला देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ टेस्ट के अनुसार नमक और 1 टेबलस्पून अदरक पेस्ट। इसे भी अच्छी तरह से मिला देंगे। और इसे हम 2 से 3 मिनट कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ स्लिट किया हुआ ग्रीन चिली और थोड़ा सा चीनी। चीनी यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। और मिला देंगे इसे। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ वो पॉपी सीड्स पेस्ट यानी खसखस के पेस्ट जो मैंने पहले से बना के रखे थे। और इसे बस 1 से 2 मिनट हमें इस तरह से भून लेना है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इसे भून लेने के बाद मैं यहाँ पे पानी डालूँगी। आप अपना ग्रेवी जितना चाहते हैं उतना ही पानी डालें, मैं यहाँ पे 1/2 कप पानी यूज़ किया है। मैंने पहले ही नमक डाले हुए हैं इसलिए मैं यहाँ पे और नमक नहीं डाल रही हूँ, लेकिन अगर आप ज़्यादा ग्रेवी बना रहे हो तो आप थोड़ा सा नमक को चेक कर लें। जब थोड़ा सा उबल आना शुरू हो जाए मैं यहाँ पे इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ढक्कन लगा के 2 मिनट तक कुक करूँगी। 2 मिनट बाद ढक्कन खोल के थोड़ा सा चेक कर लेंगे। और उसके बाद ग्रेवी अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा सा और पानी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर और पानी नहीं डालूँगी। मैं यहाँ पर वो फ्राई किया हुआ अंडा डाल रही हूँ और अंडे को मैं बीच में से काट लिया है। आप चाहे तो इसे
एज इट इज़ रहने दे सकते हैं। अब इसे फिर से ढक्कन लगा के हमें 2 मिनट तक रख देना है मीडियम टू लो फ्लेम में। तो 2 मिनट बाद मैं ढक्कन को खोल रही हूँ, आप देख सकते हो ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं ओवन को ऑफ कर दूंगी। अब इसे गरम गरम स्टीम राइस के साथ खाएं, ये बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड, आप ज़रूर एक बार ट्राई करके देखें। इस रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स के डिटेल्स मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। फ्रेंड, मेरे बनाए गए ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।